झारखंड का पहला मैगजीन चॉइस नेक्स्ट में आज हमारे साथ लॉबिन हेम्ब्रम जी हैं। ये कहां से विधायक है, क्या है, किसी को अनजाना नहीं है, सब जानते हैं। लॉबिन दा, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत काफी 14 अगस्त है और परसों 15 अगस्त है, देश की फ्रीडम दिवस के अवसर पर माननीय लॉबिन हेम्ब्रम जी अपने प्रदेश में जा रहे हैं। लेकिन किस्मत की बात होती है कि जिसके लिए आदमी सोचता है वो मिल जाता कहीं ना कहीं। आज हम सोच रहे थे कि इनसे बाइट ले, बस कुछ इनसे, जो इतने क्राइम्स रांची में बढ़ रहे हैं, इनका इनका मंतव्य व इनका कुछ बहुमूल्य बानी को ले ले। सर, रांची में इतना जो क्राइम बढ़ गया है, आप डेली पेपर अखबार खोलते हैं, आप देखते हैं कि आज मर्डर हो गया, कल मर्डर हो गया, परसों मर्डर हो गया, ये क्या हो रहा है रांची में, आपके राज में, आपकी सरकार में? देखिए, अभी पूरे झारखंड प्रदेश में क्राइम का इतना ज़्यादा ग्राफ बन गया, इतना ज़्यादा ग्राफ बढ़ गया। रांची की आप साहेबगंज में भी मेरा वही है, पहले का जो साहेबगंज था इतना, फिर इसके बाद इतना वहाँ का वातावरण इतना शांत हो गया था, लेकिन वहाँ भी लोग मैंने भयमुक्त महसूस नहीं कर रहे हैं। और रांची का तो आप देख रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप पेपर में देख लीजिए, हर पेपर में डेली हर जगह घटनाएं हो रही हैं, किसी को गोली मार दिया जाए, किसी का छीनताई हो रहा है। ये तो बहुत दुखद है कि आज झारखंड प्रदेश जो अलग हुआ था, जो एक भयमुक्त राज्य का लोग सपना दिख रहा था, लेकिन वो एक तरह से विफल होता दिख रहा है। और अभी स्थिति परिस्थिति जो है कि हम लोगों को सोचना पड़ रहा है कि घर से निकलेंगे तो हम सुरक्षित वापस कैसे आएंगे, ऐसा स्थिति बन गया है। क्या प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही, जो इतने अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर हम लोग रांची में लेके आए? देखिए, बाप का जो डीजीपी ना, प्रशासन तो सब जगह है और अदर स्टेट में भी है, लेकिन यहाँ पर भी लोगों ने, मैं नहीं, यहाँ के लोगों ने प्रशासन पर अंगुली उठाने का अभी काम कर रहा है। आखिर क्या वजह है कि इतना इतना मर्डर हो रहा है, इतना इतना अप्रिय घटना हो रही है, तो कहीं किडनैपिंग हो रहा है, कभी बलात्कार हो रहा है। कि झारखंड में योगी मॉडल चाहिए, मतलब योगी मॉडल मतलब बीजेपी शासन नहीं, मतलब जैसे मर्डर के बाद क्रिमिनल का घर तोड़ दिया ना, उसको खोज के मारना, इनकाउंटर करना, इस तरह की स्थिति चाहिए झारखंड में? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग चाहते हैं कि यहाँ भयभूत वातावरण रहे। हम लोग भी जैसे बंगाल में लोग 12 बजे रात को महिलाएं खुल्लम खुला लोग निकलती हैं और घर वापस जाती हैं, लोग चाहते हैं कि भयमुक्त वातावरण यहाँ पर है, लेकिन ये भयपूर्ण वातावरण अभी तक नहीं बन रहा है। इसके पीछे मेन कारण क्या है, आप क्या बोल सकते हैं? आप तो मेन कारण है कि कहाँ कमी है, कमी है पुलिस प्रशासन को, इसमें एक्टिव होकर काम करना चाहिए, क्या सिस्टम उसको अपनाना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को लगे कि हम भयमुक्त वातावरण। एक मर्डर हुआ है दो दिन पहले, फल विक्रेता, जूस विक्रेता मुकेश कुमार को, मुकेश कुमार ने कंप्लेन किया था कि लालपुर थाना में जाके मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, कृपया कुछ एक्शन लिया जाए। तो जो वहाँ का थाना प्रभारी है ममता कुमारी ने उसे एक्शन नहीं लिया, और आज देख रहे हैं कि भाई उसका मर्डर हो चुका है। तो पुलिस प्रशासन ही तो है, एक्टिवनेस कहा है आज प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्यों एक्टिव नहीं हो रहा है? वो चाहे तो सिस्टम में ला करके, ताकि एक क्रिमिनल को, एक बदमाश को हम लोग जैसे ही घटना घटती है उसको जोड़ते हुए उसको पकड़ सकते। दादा, एक समस्या और भी है, जो रांची के पूरे झारखंड की जनता परेशान है, जो पुलिस का ड्रेस है और नगर निगम का ड्रेस, जो गार्ड्स नहीं, नगर निगम के स्टार लगाते हैं, अशोक स्तंभ लगाते हैं बेल्ट में, ये क्या एक होना चाहिए? पब्लिक को कैसे समझ में आएगा कि दादा दोनों का? लोग कंफ्यूज कर जाएंगे ना, हाँ, और उसी में घटना घट जाएगी। आप तो विधानसभा में बात उठाएंगे कि ये सिस्टम बनाने का ये प्रशासन का काम है, वो सिस्टम बनाए उस तरह का। अब नगर निगम का ड्रेस और पुलिस का ड्रेस एक जैसा है, स्टाल लगाते हैं, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई, जो आदमी आपके संरक्षक नहीं हो सकते, तो वो तो कंफ्यूज होने वाली बात है ना। तो ये तो प्रशासन को, सरकार को उसका एक सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि यहाँ को लोगों के लेके हम, हमारे पीछे आगे पीछे पुलिस तंत्र है, हम सुरक्षित जाएंगे और सुरक्षित वापस आएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन, और आपका ट्रेन भी छूटेगा, इस ट्रेन में हम भी सफर कर रहे हैं, मेरा भी छूटेगी। दादा, एक बात बताइए कि वंदे भारत कलकत्ता को, पटना को मिला, क्या दुमका को नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? झारखंड की उपराजधानी है दुमका,
तो भाई और दूसरी बात है कि यहाँ पर इतना सारा गुड्स, इतना सारा रॉयल्टी, 85% रॉयल्टी झारखंड सरकार स्टेट गवर्नमेंट को देती है, तो फिर यह क्यों नहीं होगा? होना चाहिए इसके बाद, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस बात को उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठा रहे? तो बोलिए आप लोग, आपके भी तो सुनील सोरेन है वहाँ पर, बीजेपी से है लेकिन आपके है ना, सुने ना, इसके अलावा भी और सांसद है, राजमहल के सांसद है, दुमका के सांसद है, तो इन लोगों को आवाज उठाना चाहिए। क्यों नहीं आवाज उठा रहे? क्यों वहाँ पर चुपके चुपके बैठे हुए लोग? अगर आवाज उठाएंगे तो भारत सरकार में जो लोग बैठे हुए वो विभाग के लोग उसको निश्चित रूप से संज्ञान में लेंगे तो ये काम होगा। इस 15 अगस्त में आप झारखंड को जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो और झारखंड सरकार सब क्या चाहते हैं? देखिए 15 अगस्त कितने परसेंट लोग हैं जो देहात में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, कितने परसेंट के लोगों को पता है कि आज हमारा स्वतंत्रता, ये हमारा स्वाधीनता दिवस है? नहीं पता है, लेकिन फिर भी लोग आप देखा देखी में लोग अपना गांव में शहर में झंडा फहराना शुरू करे, ये तो आज तक उन लोगों को पता नहीं है ये 15 अगस्त क्या है, तो इसकी जानकारी तो कैसे लोगों को मिले? ये सरकार को पहल करना चाहिए। चलिए आखिरी सवाल तो हो चुका लेकिन मन में एक आपको देखिए क्वेश्चन आता है कि दादा ये डुमरी चुनाव कौन जीतेगा? देखिए डुमरी चुनाव के बारे में मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, जनता किसको चाहेगी नहीं चाहेगी, बहुत चेहरा उतर रहे हैं। और मैंने तो शुरू में कहा था दादा, शुरू से आप बाल ठाकरे के रूप में हैं, झारखंड के बाल ठाकरे बोला था आपको। मैं तो उतना तक सपना भी नहीं देखा था, और मैं सच्चाई की बात करता हूँ और गरीबों की बात करता हूँ, झारखंडियों की बात करता हूँ कि आज तक इसको राज्य का जो जो सपना था बनने हमारे गुरु जी सिंह सरण का, वो आज तक पूरा नहीं हो सकता। इसके दोषी कौन है? दोषी सरकार है। चलिए धन्यवाद, ये थे हमारे साथ लोबिन हेमरम जी जो झारखंड के बाल ठाकरे हैं, जनता कहती है हम नहीं, ताकि इनका एक ही मकसद है कि जैसे बाल ठाकरे महाराष्ट्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ा मराठी मानुष के लिए, तो हमारे लोबिन दा झारखंड मानुष के लिए लड़ाई लड़ते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी विधायक व किसी पब्लिक फिगर के साथ, आगे बने रहिए हमारे चैनल पर। एक बार फिर से लेते हैं।